हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपकी क्लास 2 की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स। ठीक है, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी में देखिए वही वही चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात, ये हमारे न्यू एडिशन बुक है, तो इसमें ये बात बहुत अच्छी है कि इसमें कोई भी चीज़ है, लाइक अगर आप ग्रेटर देन लेस देन पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ एक मरतबा नहीं है, वो इतनी मरतबा है कि बच्चा अगर चैप्टर कंप्लीट होने तक उसको वो चीज़ अच्छी तरह आ जाएगी, इतनी मरतबा वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग है, तो वो कोई भी अगर जो है वो सवाल है, तो वो इतनी मरतबा इसमें गिवन है कि अगर आप बार 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 इसको करते रहेंगे तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब देखिए मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आप जितना इसको सॉल्व करें अच्छा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ग्रेटर देन लेस देन। आपको पता है ग्रेटर देन लेस देन में क्या है? ठीक है, आपको सिंबल्स शो करने होते हैं ग्रेटर देन लेस देन में। ठीक है ना, और आप ग्रेटर देन लेस देन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट नंबर दोनों का सेम होता है, तो अगर फर्स्ट नंबर में जो बड़ा होता है आप उसकी तरफ जो है वो साइन लगा देते हैं। ठीक है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, वो अब डिपेंड करता है किस पे। और अगर फर्स्ट नंबर इत्तेफाक है कि दोनों का सेम है, ठीक है, लाइक 2 है इधर भी, 2 है इस तरफ भी, तो फिर आप क्या देखते हैं, फिर आप सेकंड नंबर देखते हैं। ठीक है, अगर सेकंड नंबर भी सेम है फिर आप क्या करते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। ठीक है, थ्री थ्री नंबर्स का आपका। अब नंबर 1 देखिए, तमाम क्वेश्चन में दो दो मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है ना, आपको इसको कॉपी में नहीं उतारना है, जस्ट आप असाइनमेंट में कर लें इसको। अच्छा जी, नंबर ए है 496, 496, और दूसरा है 492। ठीक है, एक तरफ 496 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है 492। अब आपने क्या करना है कि आपने पहले दोनों के फर्स्ट नंबर को देखना है। दोनों के फर्स्ट नंबर क्या है, राइट वाली साइड का भी 4 है, लेफ्ट वाली साइड का भी 4 है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दूसरा नंबर देखना है। दूसरा नंबर भी जो है वो 9 है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी 9 है। ठीक है, अब दो सेम है दूसरा नंबर भी। अब आपने तीसरा नंबर देखना है, एक तरफ 6 है और एक तरफ 2 है, तो 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, यानी कि आपके पास दो 2 रुपीज है वो ज्यादा है या 6 रुपीज ज्यादा है। 6 ज्यादा होते हैं ना, तो आपने क्या किया, जो 6 वाली वैल्यू यानी 496, आपने उसकी तरफ क्या कर दिया बेटा, सिंबल लगा दिया। क्लियर? अच्छा जी, अब देखिए इसी तरह बी सी डी, आपने तमाम सवाल इसी तरह करने हैं। आपने पहले दो फर्स्ट नंबर चेक करना है, अगर फर्स्ट नंबर सेम होंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर चेक करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर जो है वो आपके सेम होंगे तो फिर आपने क्या करना है कि सेकंड नंबर चेक करना है, अगर सेकंड भी सेम होंगे तो फिर आपने थर्ड चेक करना है। ठीक है बेटा, तो अब आपने ये तमाम खुद करने हैं। सही है, इसमें से एक और मैंने कर दिया है एच वाला, 219 है एक जगह है 224। पहले आपने फर्स्ट नंबर चेक किया, दोनों का फर्स्ट नंबर 2 था तो आपने रहने दिया, अब सेकंड नंबर पे आ गए। एक का सेकंड नंबर जब आपने चेक किया तो इधर जो लेफ्ट साइड वाला है वहां पे 1 आ रहा है और दूसरी तरफ 2 आ रहा है। अब आप बताएं 1 ज्यादा होता है या 2 ज्यादा होता है, 1 रुपीज ज्यादा होते हैं या 2 रुपीज ज्यादा होते हैं। 2 ज्यादा होते हैं ना, तो आपने जो 2 वाली साइड है लाइक 224, आपने उसकी तरफ सिंबल लगा दिया। क्लियर? इसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपने जिस जिस पे आप लोगों को जो जो साइन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, आपने उसमें जो है ना वो करना है, मतलब 224 है और 496 से जो भी बड़ी वैल्यू है आपने उसकी तरफ सिंबल लगाना है, जो बाकी दिए हुए हैं ये आपने खुद सॉल्व करने है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को इसमें। अच्छा, जब हम आगे बढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको, मैंने बार बार बताया असेंडिंग ऑर्डर में आप करते हो बेटा छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ आप अपना असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब छोटे से बड़े की तरफ क्या करना है, आपने नंबर्स लिख के बताने। आपके पास नंबर 1 वाला देखिए सॉल्व किया हुआ है, कितने नंबर्स हैं आपके पास टोटल, एक है 431, फिर है 849, फिर है 871, फिर 573,
624 एंड 900, यानी कि टोटल जो आपका सर्कल बना हुआ उसके अंदर आपको सिक्स नंबर्स दिए हुए, ठीक है ना, सिक्स वैल्यूज दिए हुए. अब आपको उनमें से जो बड़ा है, सबसे छोटा है वो पहले लिखना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है. अब बड़ा और छोटा आप कैसे मेजर करते हो या कैसे पता करते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बेटा, उसके लिए होता ये है कि उसके लिए तरीका ये होता है कि आपने जो है वो आप जी जी बेटा, उसके लिए तरीका ये होता है कि आपने सबका फर्स्ट नंबर देखना होता है, सही है. अब आप पहले देखिए कि फर्स्ट नंबर, सबका फर्स्ट नंबर क्या है, सबसे पहले है 431, उसका फर्स्ट नंबर, एक का फर्स्ट नंबर 4 है, फिर सेकंड वाले का 8, थर्ड वाले का भी 8, फिर 5, फिर 6 और 9. तो 8, 5, 6, 9, 4, इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4. तो सबसे पहले हमने कौन सी फिगर लिख दी, 431 वाली, ठीक है, कौन सी लिख दी हमने, 431. अब हम देखेंगे 431 को निकालते हैं, अब देखेंगे उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है, फिर 8, दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 8 है, उसके बाद है 5, फिर 6, फिर 9, यानी कि 2 8 वाले हैं, एक 9 वाला है, एक 6 वाला है और एक 5 वाला है. तो 8, 6, 5, 9, इन चारों नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है, 5. तो फिर आपने कौन सा लिख दिया, 573, ठीक है. फिर उसके बाद कौन कौन से बचे, 2 8 वाले बचे, एक 6 वाला, 9. 6, 8 और 9 में से सबसे छोटा कौन सा है, 6 वाला. तो आपने फिर 6 वाला नंबर वैल्यू लिख दी, 624, ठीक है. फिर उसके बाद कौन से बचे, 2 8 वाले और एक 9 वाला. तो 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, 8 छोटा या 9 छोटा, 8. तो आपने 8 वाली वैल्यू लिखनी है, लेकिन मसला ये है कि 8 वाली दो वैल्यूज है, ठीक है. तो अब आप कैसे चेक करेंगे, जब दो वैल्यूज है तो आप 8 तो दोनों का सेम है, तो आप सेकंड नंबर पे आ जाएंगे. एक में 8 के बाद सेकंड नंबर है 4 और दूसरे में 8 के बाद सेकंड नंबर है 7. तो आप 4 वाला लिखेंगे या 7 वाला लिखेंगे, आप बेटा 4 वाला लिखेंगे, ठीक है ना. तो आपने क्या किया कि 4 वाला आपने पहले लिख दिया, यानी कि 849 आपने पहले लिख दिया, और क्योंकि 7 बड़ा था तो 871 आपने बाद में लिख दिया, और लास्ट हमारा बचा 900, वो आपने सबसे लास्ट लिख दिया, ठीक है. बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 सम्स जो है वो आपके रह गए, ठीक है. इन 5 सम्स में आपने यही करना है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मेजर करना है, यानी कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ, ठीक है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपने बेटा ये लिखना है, ठीक है ना. और आप कैसे छोटे से बड़े की नंबर तक मेजर करेंगे, इसी तरह करेंगे, पहले आप फर्स्ट नंबर देखेंगे, ठीक है, फिर आप सेकंड नंबर देखेंगे और फिर आप थर्ड नंबर देखेंगे. अच्छा जी, अब है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है ना. तो आप उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर छोटा छोटा छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है. तो अब इसके अंदर भी देखें कितने नंबर्स हैं, सबसे फर्स्ट नंबर है 841, देन 749, 590, 950, 642, 624 एंड 841. ये 6 नंबर्स आपको गिवेन है, ठीक है. अब आपने इसमें से बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सबके फर्स्ट नंबर देखोगे, पहला पहला नंबर क्या है. सबसे पहले है 8, फिर है 7, 5, 9, 6. अब आप बताइए 5, 6, 7, 8, 9 में सबसे बड़ा क्या है, 9 है. तो गुड, तो आप क्या करेंगे, 950 वाला आपने सबसे पहले लिख दिया. फिर कौन सा है, फिर 9 के बाद क्या आता है, 8. तो ये देखिए 8 वाला नंबर है यहाँ पे, जी 841 आपने वो भी लिख दिया. फिर उसके बाद 8 के बाद क्या आता है, 8 से पहले क्या आता है, 7, ठीक है ना. 8 से छोटा क्या होता है, 7. 7 वाला कोई नंबर यहाँ पे गिवन है, यस 749, तो आपने वो भी लिख दिया. अब 7 से छोटा क्या होता है, 6. लेकिन मसला ये कि 6 की दो वैल्यूज गिवन है, एक है 624 और एक है 642. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा पहले बड़ा है वो लिखेंगे, ठीक है. दोनों के फर्स्ट नंबर 6 है, लेकिन हम तो इसलिए हम सेकेंड नंबर देखेंगे. सेकेंड नंबर क्या है, एक का सेकंड नंबर है 2 और दूसरे का सेकंड नंबर है 4.
तो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है बेटा? 4 बड़ा है, गुड। तो 642 आ गया, फिर उसके बाद 624 आ गया, और फिर लास्ट में 6 से छोटा क्या होता है, 5, तो 590 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को मेजर करने का तरीका या दोनों को देखने का तरीका कि असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखा जाएगा, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तरीका वही होता है कि पहले आप फर्स्ट नंबर देखते हैं, फिर आप सेकेंड नंबर पे आते हैं अगर फर्स्ट नंबर सेम हो तो। ठीक है, अच्छा जी, रिव्यू नंबर्स। ठीक है, ये आप पहले कर चुके हैं, ये इसका एक मतलब दोबारा आप रिव्यू करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भूले ना। राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वन, आपको जो है वो बताना है कि जो ये नंबर गिवन है, तीन नंबर्स की फिगर गिवन है, इसमें से वंस कौन सा है, टेंस कौन सा और हंड्रेड कौन सा है। तो आपको सब पता है कि जो सबसे फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा होता है वन, जो प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नंबर वन वाला होता है वन, टू जो सेकेंड नंबर पे होता है वो होता है टेंस, और जो थर्ड नंबर पे होता है वो होता है हंड्रेड्स। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये हम राइट साइड से किया, अगर हम लेफ्ट साइड से करें तो पहले हंड्रेड फिर टेंस फिर वन। ठीक है, तो आपका वन क्या था यहाँ पे, वंस था, तो आपने, और फाइव क्या था, टेंस, और थ्री क्या था, हंड्रेड्स। तो आपने क्या लिखा, थ्री के साथ आपने हंड्रेड्स लिख दिया कॉमा, फाइव के साथ आपने टेंस लिख दिया कॉमा, वन के साथ आपने वन लिख दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट आपको प्लेस वैल्यू में ये सबमिट करना है, इन नंबर्स को हंड्रेड टेंस और वंस में लिखना है। क्लियर? अच्छा जी, नंबर टू देखिए, व्हाट नंबर डज द एबकस शो, एबकस क्या शो कर रहा है। तो एबकस में जितने जितने जो है वो ड्रिंक वो बीट्स डली हुई है, आपको उस बीट्स को काउंट करें, और काउंट करने के बाद आपने उसके नीचे उसका नंबर लिख देना है। ठीक है, नंबर वन वाला डन हुआ भाई। देखिए सबसे पहले देखिए, नंबर वन वाले में जो हंड्रेड वाला कॉलम है उसके अंदर ब्लू बीट्स डले हुए, तो कौन से जो है वो कितने बीट्स से काउंट करें, वन टू, तो आपने हंड्रेड के नीचे क्या लिख दिया, टू। ठीक है, फिर टी टी फॉर टेंस, टेंस में क्या करें, कितने कौन से ग्रीन बीट्स डले हैं। अब आप जरा ग्रीन बीट्स काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपने टी के नीचे क्या लिख दिया, फाइव। अब ओ ओ फॉर वंस, तो वंस में कौन से बीट्स डले हैं, रेड। अब आप वंस वाले को काउंट करें, उसके बीट्स को वन टू थ्री, तो आपने ओ के नीचे क्या लिख दिया बेटा, थ्री। ठीक है, तो अब ये क्या बना आपका, 253, आपका क्या बना आंसर, 253। अच्छा, आगे जो सम्स है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, अगर कोई ऐसी लाइन हो, ठीक है, एबकस जिसमें जो है वो बीट्स ना डले वो खाली हो बिल्कुल, ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, परेशान ना हो, आप उसमें जीरो लिख देंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब है रिव्यू नंबर्स, दोबारा ये है रिव्यू नंबर्स, इसमें आपसे क्या किया गया, राइट द नंबर्स डेट आर, आपको ये बताने हैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी के 688 से लेके 695 तक, यानी के ऐसा नंबर आप लिखें, इसके बीच के तमाम नंबर्स लिखें जो 688 से बड़े हों और 695 से छोटे हों। ठीक है, तो 688 से बड़े होंगे तो क्या आ जाएगा, 688 के बाद क्या आता है, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि 695 से छोटे छोटे होंगे, तो हम कहाँ तक रोक देंगे, 694 से। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है, 688 से बड़ा नंबर चाहिए और 695 से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब दोबारा नीचे आपको वही सिंबल बॉक्सेस हैं, आपको जो है वो लगाना है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, फर्स्ट नंबर पहले आप देखेंगे, अगर दोनों के फर्स्ट नंबर सेम होंगे तो आप जो है वो सेकंड नंबर पे आएंगे, सेकंड नंबर भी सेम होगा तो थर्ड नंबर पे आएंगे, जो नंबर जो है वो डिफरेंट होगा उसमें आप पहले फिर ये देखेंगे कि कौन से वाला बड़ा है, जो बड़ा नंबर होगा आप उसकी तरफ अपना साइन शो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए नंबर फाइव, राइट द नंबर नेम, आपको नंबर्स के नाम बताने की क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 209, ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है ना, 9 क्या है हमारा, 1 है, 0 हमारा, 10 है, और 2 हमारा क्या है, 100, तो 2 पे क्या आया, 100, तो आपने क्या लिख दिया, 200, एंड क्योंकि 10 पे कोई भी हमें फिगर गिवन नहीं थी, 0 लिखा हुआ था, तो हमने 10 यहाँ पे शो नहीं किया, और आखिर में क्या लिखा हुआ है, 9, तो हमारा क्या बना, ये 209, क्या बना बेटा, 209।
अब आपको नीचे क्या करना है, ऊपर आपको नंबर दिए हुए थे, आपको उसके नाम लिखने थे, ठीक है। नीचे आपको नाम दिया हुआ है, पूरा इनवर्ड्स में दिया हुआ है, आपको उसके नंबर लिखने हैं, ठीक है। 362 ये लिखा हुआ है, तो आपने 300 का 3 लिख दिया और 62 का 6 और 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 362। बहुत इजी काम है जो आप ये लोग ये करते हुए आए हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स भी करवाएं तो उनको भी इस काम में कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी काम है, तो इसलिए काइंडली जब ये काम करवाएं तो बहुत अच्छे से करवाइएगा बच्चों को, ठीक है ना, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो इस काम को करने में, और आप लोग जो है वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग भी बहुत अच्छे से काम करें, साफ सुथरा काम करें। उसके बाद बेटा अगर आप लोगों को कोई चीज ना समझ आए तो नीचे नोट लिखा हुआ है फॉर लेक्चर वीडियो, काइंडली विजिट अवर यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब का चैनल खोलेंगे, उसके अंदर क्लासेस मेंशन है, ठीक है ना। तो आप क्लास टू का क्योंकि काम देख रहे हो, आप क्लास टू में 29 जुलाई वाला काम खोलोगे तो आपकी ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी मैथ्स की, ठीक है ना। 29 जुलाई को एक ही मैथ्स की क्लास हुई है, तो वो ये वाली वीडियो आपकी सामने आ जाएगी, ठीक है। आप इस वीडियो को आराम से देखें, ठीक है ना। जब आपके सामने असाइनमेंट आ जाए तो असाइनमेंट वीडियो को देखें और साथ साथ आप असाइनमेंट सॉल्व करते रहें, और उसके बावजूद वैसे तो सब समझ आ जाएगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है वो स्कूल आ सकते हैं बेटा, ठीक है, और स्कूल आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिस काम में आपको कंफ्यूजन हो वो रहन दें या कर लें, गलत होगा तो मैं आपको आगे लिख दूंगी कि ये काम गलत है, लेकिन एक बात बार बार बोलूंगी कि काम को साफ सुथरा करना है, गलत करना एक अलग चीज है कि चलें ठीक है आपको समझ नहीं आया, ठीक है। वैसे तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए, लेकिन जो है वो काम करना लाजमी है, ठीक है। और अपनी मर्जी से आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने बीच में असाइनमेंट्स चेक किए, मैं बच्चों का नाम मैं नहीं मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये है कि उन्होंने अगर मैंने 10 सवाल दिए, मैं 8 से 10 सवाल दिए मैं असाइनमेंट में, तो उन्होंने 2-3 करके जस्ट सबमिट करा दिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए ही हो रही हैं कि आप लोग घर में बैठे हुए हैं, तो आप लोग इसको, आप लोग लाइव अगर नहीं भी आ रहे तो ये आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके जो है वो यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, ठीक है। तो इसको देखें और काइंडली जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए आप लोग सीरियस हो जाएं, और जब तक आप लोग सब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, पहले मैं आपसे असाइनमेंट का पूछूंगी, उसके बाद जो है वो मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।